वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम चांदनी है और आज हम आपको एक 3D डिज़ाइन लोगो डिज़ाइन आपको बताएंगे। बहुत इजी सी लोगो डिज़ाइन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लिया मैंने, इनिशियलाइज कर रही हूँ इसीलिए। और हेक्सागन में मैंने सिंपल से हेक्सागन के थ्रू हम लोग इसको 3D डिज़ाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग एक न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप ऊपर फाइल में जाइए, न्यू पे क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। मैंने विथ 2560 पिक्सल रखा हुआ है, हाइट 1440 पिक्सल रखा हुआ है, कलर मोड मैंने RGB रखा हुआ है, बाकी सब डिफ़ॉल्ट ही है। हाई 300 PPT रखा हुआ है मैंने लेटरबॉक्स, और आप चाहे तो नेम दे सकते हैं पहले भी, मैं बाद में दे दूँगी। ओके, डॉक्यूमेंट खुल गया। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, इसे फिल कहते हैं, इस वाले को स्ट्रोक कहते हैं। तो इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए, सो दैट ये फिल जो है वो अभी बंद हो जाएगा और सिर्फ स्ट्रोक रहेगा। स्ट्रोक आपको ऊपर दिख रहा होगा, वहाँ पे हम जाते हैं और इसको हम 2 पिक्सल पर ले लेते हैं। हो सकता है कि आप लोग को लगे कि मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बता रही हूँ, बट ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स होंगे जो हो सकता है कि पहली बार आए हों, जिन्हें इतनी नॉलेज ना हो इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो लोग को मैं सोचती हूँ कि जितना डिटेल में बता सकूँ उतना अच्छा रहेगा। तो अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ बियर विथ मी, नहीं पता है तो आप लोग के लिए एक एडिशनल एडवांटेज है। क्योंकि प्रॉब्लम होती है ना, फिर आप एक चीज़ नहीं समझोगे, फिर आप किसी दूसरे वीडियो पे सर्च करके जाओगे, तो बेटर है कि छोटी छोटी चीज़ों को आप जानते जाओगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं डिटेलिंग में बता सकूँ। हाँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक ऊपर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर देखेंगे लाइन सेगमेंट टूल दिया हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट सेंटर पे लाकर राइट से लेफ्ट की तरफ एक शिफ्ट प्रेस करते हुए एक लाइन, सीधी लाइन खींचेंगे। फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर इसका स्ट्रोक का कलर है, मैं ब्लू चूज़ कर रही हूँ, आप ले सकते हैं अपने मन का कोई भी कलर, ब्लू लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कलर जो है ब्लू हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे ये रेक्टेंगल बना हुआ है और इस पर राइट क्लिक कर लीजिए या थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा तो भी आ जाएगा। यहाँ पर आप पॉलीगन चूज़ कीजिएगा और बीच में कहीं पर भी एक बार क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से साइज़ डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर 335 डाल रही हूँ, 35, और जो मैंने साइड्स डाली है 6 डाली है क्योंकि मुझे इसमें हेक्सागन बनाना है, और ओके कर दीजिएगा तो एक पॉलीगन बन गया। आप इस पॉलीगन को सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे ऊपर क्लिक कर, उसको थोड़ा सा ड्रैग करते हुए ये जो लाइन खींची है, कोशिश कीजिएगा इसके सेंटर पर, अप्रॉक्सीमेट सेंटर पर आए, सो दैट नेक्स्ट जो पॉलीगन हम बनाएंगे वो भी इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, अगर अपनी पोजीशन पर नहीं आया जैसा हम लोग चाह रहे हैं। अब एक और पॉलीगन बनाते हैं, वापस पॉलीगन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, उसका साइज़ आएगा, मैं 225 दे दे रही हूँ इस बार, 225 और इसके अंदर आ गया, बट हाँ अभी फिर भी उसके उतना साइज़ में नहीं आया जितना हम लोग बीच में चाह रहे थे। तो वापस से सिलेक्ट पे जाइए और उसको थोड़ा सा ड्रैग करके अप्रॉक्सीमेट लेकर आ जाइए, अब ठीक लग रहा है। अब एक और पॉलीगन बनाते हैं, वापस से पॉलीगन पे जाएंगे, आइकन पे वहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बीच में मैंने क्लिक किया और इस बार मैं इसको 100 दे रही हूँ। वन मोर पॉलीगन, वापस से क्लिक किया, इसके सेंटर पे क्लिक किया और इस पर 80 दे दे रही हूँ, 80। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। जूम इन करने के लिए आप कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे तो वो जूम इन हो जाएगा। आई थिंक आप
ज्यादा बेटर दिखेगा। सबसे पहले जो ये वाली लाइन है ये थोड़ी सी मिडिल में नहीं लग रही है इस हेक्सागन के, तो इसको पहले बीच में ले आते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर जाइए, सेलेक्ट दबाइए, मतलब क्लिक कीजिए, उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए और इसको थोड़ा सा स्लाइटली बिट आगे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, तो इससे सेंटर पे थोड़ा सा लग रहा है। अब कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए सो दैट ये जो सिलेक्शन है वो यहाँ से हट जाए। फिर स्ट्रोक है, स्ट्रोक पे क्लिक कीजिए, फिर ये रेड वाला है, मैं रेड कलर चूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो अपने मन का कोई भी कलर चूज़ कर लीजिएगा, रेड अच्छा लगेगा इसमें मेरे ख्याल से, रेड चूज़ कर लेते हैं। और ये जो लाइन आइकन है इस पर क्लिक करते हैं, फिर ये जो छोटे छोटे से दो हेक्सागन बने हुए हैं सबसे पहले हमें इसी के ऊपर ओवरलैपिंग करनी है, तो पहले यहाँ पे एक क्लिक करके इसको ड्रैग कीजिए यहाँ तक, इस पर शिफ्ट होल्ड मत कीजिएगा सो दैट ओवरलैपिंग हो जाए लाइन की एक। उसके बाद इस लाइन पे भी कर देते हैं ऐसे ही, ये नीचे की तरफ जो है ये दो लाइंस इसको हमें थोड़ा सा आगे की तरफ खींचना है ओवरलैपिंग करते हुए, शिफ्ट होल्ड मत कीजिएगा। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, ये वाली जो लाइन है इसको भी थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। सोच रहे होंगे क्या कर रही है ये लड़की, बट ये अभी आप देखोगे ना तो आपको अच्छी लगेगी डिजाइन। फिर इन दोनों को मैं सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जाइए सिलेक्ट आइकन पर, फिर इसको एक को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर शिफ्ट दबाकर दूसरे को भी सिलेक्ट कर लीजिए। अब इन दोनों को ड्रैग करते हुए यहाँ लाइए और इस जगह पे मिला दीजिए ऐसे। अब सिलेक्ट कीजिए और इसको पूरा सिलेक्ट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर एक शेप बिल्डर टूल है इसके नीचे, इसको क्लिक कीजिएगा और फिर यहाँ पर येलो कलर ले लेते हैं और फिर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो कलर आ जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि ये वाली जो लाइन है मैंने वापस से इसको पूरा कर दिया है जैसे पहले था, क्योंकि ये वाला हिस्सा भी मेरा सिलेक्ट हो रहा था, उसकी वजह यही थी क्योंकि इसमें ये जो दो लाइंस हैं इस पर ठीक से ओवरलैपिंग नहीं हुई थी, जिसकी वजह से बार बार मतलब ये भी सिलेक्ट हो रहा था, क्योंकि इसीलिए शेप बिल्डर टूल की खासियत होती है कि अगर आपको शेप बनाना है तो उसमें ओवरलैपिंग मस्ट है, तभी वो अलग अलग शेप्स बन पाएंगे, नहीं तो दिक्कत आती है। तो अभी वही चीज़ पूरा सिलेक्ट कर दिया था मैंने और कलर भी सिलेक्टेड है, शेप बिल्डर टूल भी सिलेक्टेड है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ यही जाएगा, देन इस पर क्लिक कीजिए, फिर आप इस पर क्लिक कर दीजिए, इतना पूरा ये हिस्सा चाहिए हमको, फिर इस पर क्लिक कर दीजिए, ये क्लिक कर दीजिए और ये क्लिक कर दीजिए। ये वो डिज़ाइन है जो हम अब आगे रिपीट करेंगे। इसके बाद आप वापस सिलेक्शन टूल में जाइए और एक को सिलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट को होल्ड कीजिए और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए, ये सिलेक्ट कर लीजिए, ये सिलेक्ट,
इतना जो सेक्शन है ये हमको चाहिए है, बाकी वाला सेक्शन अभी हमको नहीं चाहिए है, तो हम ये बाकी वाला जो सेक्शन है उसको हटा देंगे। कैसे आप देखिएगा, इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ ऊपर ऑब्जेक्ट पे जाइए, यहाँ पे आपको हाइट दिखेगा, हाइट पे जाइए और सिलेक्शन पे क्लिक कीजिए, तो ये जो पूरा सेगमेंट है ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। अब ये पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और डिलीट दबा दीजिए। अब वापस ऑब्जेक्ट पे जाइए और यहाँ पे शो ऑल होगा, उस पर क्लिक कीजिए, तो हमारी जो डिज़ाइन थी वो आ गई। अब हम सबसे पहले इस वाले को एक कलर देते हैं, तो इस सेलेक्ट पे जाइए, इसको क्लिक कीजिए, अंदर वाले को हम इसको डार्क कलर देना होगा, फिर स्ट्रोक पे क्लिक कीजिए और इस पे क्लिक कर दीजिए, तो जो स्ट्रोक है वो अब चला जाए। फिर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि मैं पिंक शेड में कलर दे देती हूँ, थोड़ा सा डार्क पिंक में, और ओके कर देती हूँ। हाँ, उसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम ग्रेडियंट कलर देते हैं इसको, तो ग्रेडियंट कलर में एक तो यहाँ पे ग्रेडियंट पैनल यहाँ पे खुला हुआ है, अगर आपका ऑटोमेटिकली भी खुला होगा नहीं तो फिर आप यहाँ पे विंडो से जाकर भी खोल सकते हैं, और एक यहाँ पर है और विंडो से जाकर भी आप खोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट खुला हुआ है तो आपका यहाँ खुल जाएगा, और एक इस तरफ भी यहाँ पे पैनल बना हुआ था टूल बार में, ये ग्रेडियंट टूल, इसके थ्रू भी आप खोल सकते हैं। तो और मैंने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लिया और ये वाला ग्रेडियंट दे दिया। अब कलर चूज कर लेती हूँ, कलर में आप यहाँ पे जाइएगा, आरजीबी खुला हुआ है, पिंक है तो मैं पिंक का ही कोई डार्क शेड लेती हूँ, थोड़ा सा और ये अच्छा लग रहा है थोड़ा, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी दूसरा कलर ले सकते हैं, इस तरफ से डबल क्लिक कीजिएगा और थोड़ा पिंकिश शाइन में आ रहा है, ये रख लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, और अगर यही कलर देके देखते हैं तो ये भी अच्छा लग रहा है। इसको वापस से सिलेक्ट करते हैं और स्ट्रोक जो है हमारा ये वाला उसको हटा देते हैं और इसको भी सिलेक्ट करते हैं और जो स्ट्रोक है उसको हटा देते हैं तो ये एक डिज़ाइन टाइप की बन गई। अब वापस इसको सिलेक्ट करते हैं और यही कलर दे देते हैं या थोड़ा सा लाइट में दे देते हैं, तो पिंक में ही देते हैं लेकिन थोड़ा सा लाइट दे देते हैं, जैसे कि और इस तरफ भी थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो आपको एक ये बार मिलता है जो आपको यहाँ नहीं मिलता, इसको भी घटा बढ़ा सकते हैं सो दैट उसके अकॉर्डिंग
सिलेक्ट कीजिए, आई ड्रॉपर टूल लीजिए, और ये वाला कलर क्लिक कर दीजिए, और फिर इस वाले को सिलेक्ट कीजिए, आई ड्रॉपर टूल फिर से लीजिए और इस वाले को क्लिक कर दीजिए। अब सिलेक्ट दबाइए और इसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंट्रोल पे सी कर लिए, या फिर आप यहाँ पे एडिट पे जाके कॉपी कर लीजिए और फिर एडिट पर ही जाके पेस्ट इन फ्रंट, इसका शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल प्लस एफ, उसको भी दबा सकते हैं और पेस्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको ये रोटेट टूल मिलेगा, रोटेट टूल को क्लिक कीजिए और ऑल्ट के साथ कहीं पर भी या इसके पास क्लिक कर दीजिए। आपको 120 डिग्री मेंशन है ऑलरेडी, 120 डिग्री मैंने एंगल लिया है उस पर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये एक बन गया। सेलेक्ट पे जाइए, यहाँ पे लेकर आइए और कंट्रोल प्लस ऑल्ट के साथ आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, दूसरा बन जाएगा एक और। तो अब आप इसको मैं ले रही हूँ इस पूरे को और इसको मैं ड्रैग करके नीचे की तरफ लाती हूँ, मुझे इसको अंदर की तरफ लेके जाना है। क्लिक कीजिए, यहाँ नीचे अरेंज आएगा, अरेंज में सेंड टू बैक कर दीजिए, थोड़ा सा और चले आते हैं। क्लिक कीजिए, इस पर पूरा क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए और राइट पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए और रिफ्लेक्ट कर दीजिए। ज्वाइन करना है थोड़ा सा और ओके, इस तरह से एडजस्ट करने के बाद लेट्स चेंज द कलर, क्योंकि ये उतना ठीक नहीं लग रहा है। तो मैंने कुछ कलर्स निकाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले इस सेक्शन को सिलेक्ट किया, ग्रेडियंट पे गए, इस पर डबल क्लिक किया, तो इसमें है नंबर है 204 51 एंड 153 एंड इस तरफ 266 ये भरा हुआ है मैंने 255, 204 and 106 इस तरफ। ये वाला कलर थोड़ा सा अच्छा और ग्लॉसी लग रहा है, जो कि इस कलर में मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। सो आई थॉट कि लेट्स जस्ट चेंज अ लिटिल बिट। अब इसको ही इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो मैं आई ड्रॉपर टू और सिलेक्शन से करूँगी। सबसे पहले सेलेक्ट लेते हैं, इसको करते हैं, उसके बाद यहाँ पर वापस से आई ड्रॉपर टू लेंगे और फिर इस कलर को यहाँ डाल देंगे। फिर सेलेक्ट पे जाइए, फिर यहाँ पे जाइए और देन आई ड्रॉपर टूल वापस से लीजिए, देन यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर। सो ये एक पैटर्न तैयार हो गया। अब नेक्स्ट जो है अब वापस सेलेक्ट लीजिए और इस वाली लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए, आई ड्रॉपर टूल फिर से लीजिए एंड देन एंड यहाँ पर भी सेलेक्ट लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, आई ड्रॉपर टूल लीजिए एंड देन दिस वन।
ये वाला सेक्शन सिलेक्ट करेंगे और मैं इसको 60% ब्लैक में देने वाली हूँ, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और 102 को तीनों में फिल कर देंगे। ऐसे क्या रिजल्ट आता है, 102 एंड देन 102। और इसको थोड़ा सा लाइट में चले जाते हैं, थोड़ा सा ग्लॉसी लुक दे रहा है। इसी चीज को फिर यहाँ पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और आई ड्रॉपर टूल को लेंगे और ये वाला यहाँ डाल देंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे इसके ऊपर वाला में, यहाँ सिलेक्ट करेंगे इस पॉइंट पे, ऊपर टूल को लेंगे, इसको थोड़ा सा अलग करके मैंने इसको वापस से यहाँ पे अटैच कर दूँ क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं हो रहा था। थोड़ा सा ग्लॉसी लुक दे रहा है और अब वापस इधर जाएंगे और इसमें फिर इसको सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर और दिस वन और आई ड्रॉपर टूल लीजिए और इसी को कलर दे दीजिए और फिर इस वाली लाइन को सिलेक्ट कीजिए और वापस से आई ड्रॉपर टूल लीजिए और अब इसको सिलेक्ट कीजिए और 230 दे रही हूँ मैं, पर थोड़ा सा ब्लूइश कलर दे देती हूँ, फिर इसको सिलेक्ट कीजिए, आई ड्रॉपर टूल लीजिए एंड देन दिस वन एंड देन इसको सिलेक्ट कीजिए वापस से इस तरफ, आई ड्रॉपर टूल लीजिए और इसको सिलेक्ट कीजिए, आई ड्रॉपर टू लीजिए एंड इसको किसी और को लगा करते हैं, आई थिंक इसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन राइट क्लिक एंड मेक अ ग्रुप। सो हियर इट इज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा यूजफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब के बाद एक बेल आइकन आएगा उसे दबाना मत भूलिएगा। सो प्लीज हैप्पी चेक इनटू माय चैनल एंड सी यू देयर वेरी सून। थैंक यू।